दोस्तों, यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो इनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, कबीर सिंह 2019 की भारतीय निमासी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेंडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेंडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी, जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों, मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, कबीर सिंह 2019 की भारतीय निमासी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेंडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेंडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी, जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत,
अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो इनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडिवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क
होता है और स्नातकोर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रतिशतक होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडिवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रतिशतक होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया।
अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन निकिता दत्ता अर्जुन बाजीवार सुरेश ओबेरॉय डाली मिन्हास सुपर्णा मारवाह अनुराग अरोड़ा सोहम मजुमदार कुलार ठाकुर अनुषा संपत अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेड्डीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके
पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क
होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मुझे IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेंडिवांगा और पटकथा की थी संदीप रेंडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का
प्लेयर ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेयर ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने,
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेड्डीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके
पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडिवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने
के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मुझे IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेंडिवांगा और पटकथा की थी संदीप रेंडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम
प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने,
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेड्डीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके
पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने
के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडिवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम
प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने,
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेड्डीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके
पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने
के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मुझे IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेंडिवांगा और पटकथा की थी संदीप रेंडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम
प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने,
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेड्डीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके
पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क
होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मुझे IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडिवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का
प्लेयर ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन निकिता दत्ता अर्जुन बाजीवार सुरेश ओबेरॉय डाली मिन्हास सुपर्णा मारवाह अनुराग अरोड़ा सोहम मजुमदार कुलार ठाकुर अनुषा संपत अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेयर ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो की 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह, अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेड्डीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह, अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके
पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने
के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडिवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम
प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने,
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेड्डीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके
पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़वादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने
के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मुझे IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडिवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय द्विमासिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडिवांगा और पाठकथा की थी संदीप रेडिवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती, और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मेहोश रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम
प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने, और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यदि आपको संदीप रेंडीवांगा की मूवी देखना पसंद है तो उनकी एक बेहतरीन मूवी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर सिंह, जो कि 2019 में आई थी। तो यह मूवी कैसी थी, मूवी का स्टोरी कैसा था, ये सारी बातें करने वाले हैं और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कबीर सिंह 2019 की भारतीय निर्माता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेडीवांगा और पटकथा की थी संदीप रेडीवांगा और सिद्धार्थ गरिमा ने,
और इस मूवी का निर्माण किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी सीरीज फिल्म के तहत, और मुराद केतानी और अश्विनी वर्दे ने सिने वन स्टूडियो के तहत किया है। वांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी जो कि 2017 में आई थी, या उसी की रीमेक मूवी थी जो कि बॉलीवुड में बनाई गई थी। इसमें आपको शाहिद कपूर एक अमीर डॉक्टर की भूमिका में है, जो तब आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति, जिसका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, किसी और से शादी कर लेती है और आदिल हुसैन, निकिता दत्ता, अर्जुन बाजीवार, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मिन्हास, सुपर्णा मारवाह, अनुराग अरोड़ा, सोहम मजुमदार, कुलार ठाकुर, अनुषा संपत, अमित शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ का। इसमें बॉक्स ऑफिस पर लगभग 379 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 172 मिनट की थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कबीर राजधीर सिंह अमीर व्यवसायी राजधीर सिंह का सबसे छोटा बेटा है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा है। इसके पास विपक्षी विद्रोह व्यक्तित्व है और उसे क्रोध प्रबंधन की गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे एक बदमाश की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच में विरोधी टीम के सदस्यों के साथ झगड़ा होने के बाद कबीर को या तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति सिक्का को देखने के बाद वह वहीं रहने का फैसला करता है। कबीर और उसके दोस्त छात्रा समुदाय को बताते हैं कि कबीर ने प्रीति को विशेष रूप से अपना लिया है। शुरू में वह डरपोक थी, लेकिन बाद में वह उसके दबंग रवैये के साथ तालमेल बिठा लेती है और अंततः उसकी भावनाओं का जवाब देती है, जिससे उसके साथ एक अतरंग संबंध विकसित होता है। कबीर MBBS की डिग्री लेकर सतर्क होता है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मंसूरी चला जाता है। दूसरी दूरी के बावजूद अगले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रीति सतर्क होने के बाद वह कबीर को अपनी रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए तब तक पकड़ लेते हैं और कबीर को घर से निकाल देते हैं। और इसी के बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। कबीर द्वारा अपने प्यार को समझने के प्रयासों के बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करना जारी रखते हैं। क्रोधित होकर कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों में के भीतर उसके और उसके परिवार के बीच किसी एक को चुने, अन्यथा वह उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। बाद में प्रीति समय पर उसके साथ पास नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंच पाती और परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है और अगले 2 दिनों तक मायूस रहता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार करा लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का प्लेट ढूंढता है और सर्जन के तौर पर अपना एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपनी भावनाओं से निपटने के लिए वह नशीली दवाओं और शराब का सेवन करता है और अपने नए पालतू कुत्ते का नाम प्रीति रखता है। इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। कुछ ही महीनों में वह एक सफल सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाता है, जिसका अस्पताल के कर्मचारी सम्मान करते हैं और उसे डरते भी हैं। उसका आत्मा विनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्त को परेशान करता रहता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। कुल मिलाकर दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली IMDb से 10/7 की और रोटेन टमाटो से 23% की रेटिंग मिली हुई है।